तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग वे में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो रिजल्ट रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है, बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट डेट जो है वो आप लोगों का क्लियर कर दिया गया है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कब तक जारी किया जाएगा। बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस आ चुकी है कि आप लोग कैसे कब क्या चेक कर सकते हो। तो जानिए आप लोगों को, इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कैसे क्या करना है, कैसे आप लोग अपना रिजल्ट को है वो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है और ये आज की सबसे बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी वीडियो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस आ चुका है कि कब तक आप लोगों का रिजल्ट क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिएगा ताकि वो भी पूरी अपडेट पूरी जानकारी जान सकें कि आप लोगों का बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस जो आई हुई है और इसमें कब बताया गया है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कब तक पब्लिश किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आएगी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों पूरी अपडेट पूरी वीडियो देख लेते हैं ताकि आप लोगों के सारी क्लियर डाउट जो है जितने भी डाउट हैं वो सब चीज क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 और 23 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा और दोस्तों आपके बाद नलकूप चालक का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था जिसका नलकूप चालक का जो है वो रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है जून में ही। और दोस्तों कहा ऐसा जा रहा था कि आप लोगों का वीडियो का रिजल्ट भी जून के महीने में आने वाला था लेकिन दोस्तों जुलाई का महीना आ गया लेकिन अभी तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया। इसके पीछे क्या रीजन था वो भी आपके ऑफिशियल नोटिस में बताई गई है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों पूरी अपडेट पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यूपी वीडियो रिजल्ट 2018 एंड 19 चेक यूपी ट्रिपल एस सी रिजल्ट ग्राम विकास अधिकारी रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए पूरी अपडेट देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी वीडियो रिजल्ट 2018-19 इज अनाउंसेड डेट यूपी ट्रिपल एस सी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन रिजल्ट ऑफ यूपी वीडियो इज डिक्लेयर बाय उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन सुपरिटेंडेंट सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। मतलब कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो क्लियर किया जाएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट यूपी ट्रिपल एस सी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर, ठीक है। और आपको बताया गया है आगे कि आप लोगों का जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मेरिट पे बनने वाला है रिजल्ट और आप लोगों का एक पीडीएफ फाइल जारी किया जाएगा और उसमें आप लोगों का नाम और रोल नंबर के जरिए आप लोग अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट फेज के लिए, सेकेंड फेज के लिए, सेकेंड फेज जो आप लोगों का एग्जाम होगा उस फेज के लिए आप लोग क्वालिफाई हो या नहीं हो, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा आप लोगों को बताया गया है कि कैंडिडेट गेट प्लस टू ऑफ एवरी करेक्ट आंसर और माइनस वन इनकरेक्ट आंसर वन। मतलब कि आप लोगों का प्लस वन प्लस टू जो है एक प्रश्न का उत्तर देने में आप लोगों का सही प्रश्न के लिए दो अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए माइनस वन कटौती किए जाएंगे। और बताया गया है कि इन ऑर्डर टू अराइव एट यूपी वीडियो रिजल्ट 2019 एज पर फाइनल आंसर की, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ यूपी वीडियो वाज हेल्ड ऑन 22 एंड 23 दिसंबर 2018। तो 22 और 23 दिसंबर को आप लोगों का रिजल्ट क्लियर, मतलब कि एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया गया था। कैंडिडेट कैन लॉग इन विथ आइदर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ टू टेक रिजल्ट। मतलब कि आप लोग अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाए हो उस रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के जरिए से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। आगे बताया गया है कि यूपी ट्रिपल एस सी इज रिक्रूटिंग कैंडिडेट ऑफ फॉर 1953 वैकेंसी ऑफ बुलेत पंचायत ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर। मतलब कहा ऐसा जा रहा है कि 1953 वैकेंसियों के लिए आप लोगों का इन तीनों पोस्टों के लिए निकाली गई थी और जो कि आप लोगों को बता दें कि गेट हेयर कंप्लीट डिटेल्स ऑफ यूपी वीडियो रिजल्ट 2019 सच एज डेट मेरिट लिस्ट। मतलब कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और मात्र 1953 वैकेंसियों के लिए करीब करीब 9.5 लाख यानी कि 9.5 लाख स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। अप्लाई तो 14 लाख स्टूडेंटों ने किया था जिसमें कि 9.5 लाख स्टूडेंटों ने आपका एग्ज़ाम दिया है। तो 1953 वैकेंसियों के लिए
9.5 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है। तो इस कारण यूपी ट्रिपल एस सी के अधिकारियों ने कहा कि इतनी ज़्यादा संख्या में, इतनी ज़्यादा कम वैकेंसियों में इतनी ज़्यादा कैंडिडेट हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का रिजल्ट जो है वो क्लियर अभी तक नहीं किया गया है। आगे आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों का आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया था, जो कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा, ठीक है। अब कैसे आप लोग रिजल्ट अपना चेक कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आफ्टर कंडक्टिंग रिटर्न एग्जामिनेशन एंड रिलीज आंसर की यूपी ट्रिपल एस सी डिक्लेयर वीडियो रिजल्ट, यूपी ट्रिपल एस सी डिक्लेयर रिजल्ट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट upiplsc.government.in। कैंडिडेट कैन चेक रिजल्ट आइदर बाय विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट और बाय क्लिकिंग एवव लिंक। फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग रिजल्ट कैंडिडेट नीड टू फॉलोइंग सिंपल इजी स्टेप। तो आप लोग ये सिंपल स्टेप को फॉलो करके अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हो। फर्स्ट क्लिक एवव लिंक, एवव लिंक रिडायरेक्ट टू यूपी वीडियो रिजल्ट 2019 पेज इंस्टेंटली। देन यूपी, उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि देन यू मस्ट ऑप्शन टू चेक रिजल्ट आइदर बाय रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, ठीक है। इफ़ यू सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर रोल नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन यू हैव इंटर लॉगिन डिटेल्स ऑन द पेज इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड, कैप्चा कोड। तो दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ ऐसा वाला इंटरफेस आएगा, ठीक है, ऐसा वाला इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे मांगा जाएगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, जेंडर मांगा जाएगा और इंटर वेरिफिकेशन कैप्चा कोड जो है ये वाला आप लोगों को डालने के बाद सी रिजल्ट का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। और उस पर क्लिक करते ही आप लोगों का सामने रिजल्ट आ जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आप लोगों का, अदरवाइज इफ यू सेलेक्ट रोल नंबर, तो रोल नंबर अगर आप लोग सेलेक्ट करते हो देन यू हैव द इंटर लॉगिन डिटेल्स ऑन द पेज इंक्लूडिंग रोल नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड वेरिफिकेशन कैप्चा कोड। वंस यू एंटर द ऑल डाटा क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, देन रिजल्ट पेज विल बी ओपन ऑन स्क्रीन, चेक रिजल्ट एंड टेक ए प्रिंट। तो आप लोग प्रिंट आउट उसका ले लीजिएगा। अगर आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों का खो गया है या आप लोगों का नहीं है, तो उस टाइम आप लोगों का फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का भी ऑप्शन आएगा। तो आप बात करें दोस्तों कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कब तक पब्लिश किया जाएगा, तो माना ऐसा जा रहा है कि नलकूप चालक के बाद अब वीडियो की बारी है, इसलिए आप लोगों का सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आप लोगों का रिजल्ट जो है वो पब्लिश करने की पूरी संभावना है। तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक आप लोगों का रिजल्ट क्लियरली आ जाएगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो पूरी ऑफिशियल अपडेट जो है वो जान सकें, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पल पल की अपडेट मिलती रहे यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।